जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ये देखिए, ये है दुनिया की सबसे बोरिंग ट्रे जो हर घर में मिलती है। ये कहीं से भी आ जाती है, मीन्स कोई भी लेडीज संगीत होगा, कुछ दे ना दे ये तो पक्का ही देते हैं। और घर में इतनी जमा होती है, कुछ काम की नहीं है। इसकी इज्जत ऐसी है कि हम इसको मेहमान के सामने भी नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमारे घर में भी आ गई। अब मैं सोची इसको करूँ क्या, ना तो इसका कुछ काम आने वाली है, तो सोचते हैं कि चलो इसका थोड़ा मेकअप कर देते हैं ताकि थोड़ी सुंदर लगने लग जाए। तो इसलिए मैंने इस पर प्राइमर किया। प्राइमर मैं हर जगह करती हूँ कलर से पहले, उससे थोड़ी मजबूती आती है और वो अच्छा रहता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने तो ये रख रखा है, अच्छा है, हर जगह यही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो हम इसको प्राइमर इस ट्रे पे करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। बस मैंने अपर साइड कर रही हूँ, नीचे नहीं कर रही हूँ, और इसको कर लिया। और मैंने दो साइड, मतलब दो लेयर की है, एक बार सूखने के बाद फिर दूसरी लेयर और की है। ठीक है, फिर इसको सूखने के रखने देंगे, 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, सूखने के बाद हम इसको ये ऑयल पेंट करेंगे। वाइट कलर का कर रही हूँ मैं, आप किसी भी कलर का कर सकते हो। मुझे वाइट थोड़ा सिंपल कलर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इस पर वाइट किया है। फिर वाइट कलर करने के बाद इसको कर ले, और वाइट कलर की भी इसको दो लेयर करनी है, एक सूखने के बाद, मतलब एक 1.5 घंटे बाद में दूसरी कर लेना, इससे बहुत अच्छी लगेगी। इसका जो स्टील है ना वो दिखना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी कितनी सुंदर लग रही है, लग रहा है वही ट्रे है। अब ये जो अबरी पेपर है, जो हम गिफ्ट पेपर बोलते हैं उसको, कागज के है, इसके मैंने फूल कटिंग करके रख दी। और ग्लू है, जो इसमें 50% ग्लू है, 50% पानी है, मिक्स करके नीचे लगा के पेपर सेट करके लगा दिए। और ऐसा डिजाइन मैंने पेपर के फूल कट करके इसको अच्छे, मतलब इसका जो बेस है उसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया। और इसको हम इसी ग्लू और पानी के, ग्लू और पानी का मिक्सर है ना, इसको मिक्स करके हम इसको अच्छे से लगाते रहेंगे। ये सूखने के बाद में अच्छे से पकड़ कर लेगा और अच्छा बहुत लगेगा ये, मीन्स बाद में डेको पाच टाइप का लुक देगा, बहुत अच्छा है। फिर लास्ट में हम इसके ये वुड वार्निश करेंगे। वार्निश से क्या होगा, ये कागज़ कभी उतरेगा नहीं, हम इसको वॉश भी इजीली कर पाएंगे और ये बहुत सुंदर लगेगा। और इसको लगाने के बाद में आपको कम से कम 12-13 घंटा सूखने को छोड़ना है, और ऑयल पेंट को भी लगाने के बाद में 12-13 घंटा सूखने को छोड़ना है। इसको लगाने के बाद में इतना सुंदर लगता है ना, इसमें पेपर वर्क किया हुआ है एकदम, तो बहुत सुंदर डेको पाच को भी पीछे छोड़ता है ये। इसका मैंने बोतल भी बनाया, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए कितना सुंदर शाइन कर रहा है। लग ही नहीं रहा कि ये वही ट्रे है, मीन्स मेरी भाभी बोली कि अरे ये तो वो ट्रे है, ये तो मुझे दे दो। पहले बोल रहे थे मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो हम दे देंगे, और ये देखने के बाद में सब बोल रहे ये तो हमको भी चाहिए।